और चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज में दिल दहला देने वाला एक हादसा हुआ है। एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या हुई है। पति पत्नी और 3 बेटियों की गला रेत कर हत्या की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। फॉरेंसिक के एक्सपर्ट्स भी मौके पर पहुंच चुके हैं और पूरे हालात का जायजा ले रहे हैं, जांच कर रहे हैं। तो देखिए बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, यूपी के प्रयागराज में दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतारा गया है, जिसकी जांच अब पुलिस कर रही है। प्रयागराज में कत्ल की सनसनीखेज वारदात, एक ही परिवार के 5 सदस्यों का कत्ल, कातिल ने गला काट कर मौत के घाट उतारा। ये तस्वीरें दिल दहलाने वाली हैं। यही वजह है कि ये तस्वीरें हम आपको नहीं दिखा सकते। यूपी के प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की हत्या की ऐसी सनसनीखेज वारदात हुई है कि पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप है। प्रयागराज के नवाबगंज इलाके में हुई इस वारदात के बाद से पूरा इलाका सन्न है। रूह कपाने वाली इस वारदात में कातिल ने पति पत्नी समेत 3 बेटियों का गला रेत कर मौत के घाट उतार दिया। अब पुलिस तफ्तीश में जुटी है। बताया जा रहा है कि मृतक परिवार कौशाम्बी जिले का रहने वाला था, जो प्रयागराज में किराए के मकान में रहता था। हत्या के कारणों का अभी पता नहीं लगाया जा सका है। खाकी की पूरी टीम इस सनसनीखेज वारदात से जुड़े हर सबूत को जुटाने में लगी है। फॉरेंसिक टीम के साथ साथ मौके पर डॉग स्क्वाड भी मौजूद है। पूरे इलाके में सनसनी है। हर शख्स की जुबान पर कत्ल की इसी वारदात की चर्चा है। पुलिस भी नहीं समझ पा रही कि आखिर कातिल ने पूरे परिवार को किस मकसद से मौत के घाट उतारा। फिलहाल पुलिस हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।